Hey guys, this is Raj Kadam and I'm back with another video. So now I'm driving, so I'm not looking at the camera. So I have to ignore my eyes. And today I didn't plan to vlog today. But still, I have a mood now, so I'm starting vlog. Now it's 7:00, 6:59. And now I'm going for this. लेट हुआ है आज एजेंसी के लिए बट स्टिल तो 5:30-6 बजे उठा था एंड वही तो इट विल बी लाइक डे इन माय लाइफ एंड शायद फ्रेंड्स के साथ जाने वाला हूँ मतलब उनका प्लान है तो देखते हैं अगर प्लान कंफर्म है या नहीं अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं बताया सो वही कीप वॉचिंग एंड आई विल बी बैक guys just got done with NCC practice and अभी मार्च पास की practice हुई तो अभी 9:10 हो रहे हैं मुझे college को जाना है 9:30 को first lecture चालू होता है तो जाऊंगा अब college को change भी किया है and आगे क्या क्या plan होता है मैं आपको बताऊंगा so keep watching I will be back तो just got done with lectures and अब जाने वाला हूँ मैं friends के पास अब भी 1 बज रहे और 1:15 को मेरे यहाँ practical होता है तो आज practical के लिए नहीं जाऊँगा आज हम materials इकट्ठा करने वाले क्योंकि हमें कल जाना है वहाँ पे आज जाने वाले थे but आज material और वहाँ पे जाना दोनों एक साथ नहीं होगा तो आज हम material लाएंगे और उसको pack करेंगे तो आपको मैंने plan नहीं बताया था but हम जाने वाले पाटन साइड को क्योंकि वहाँ पे बारिश के वजह से पूरा एक गांव एक मिट्टी में चला गया वहाँ का जो पर्वत था जो माउंटेन था वो बारिश की वजह से पूरा नीचे आ गया और वो पूरा गांव मिट्टी के नीचे चला गया सो वही जाने वाले हम और हम उन लोगों को मदद करेंगे जिनके घर वहाँ से चले गए थोड़ा सा जो भी हमारे फ्रेंड्स ने जो भी कंट्री निकाली है उससे जो भी मदद हो सकेगी तो वो करेंगे हम तो आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है एंड इस गाड़ी के टायर्स भी थोड़े से ख़राब हो गए हैं तो मैं उसे चेंज करने वाला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी के टायर्स कैसे चेंज होते हैं तो कीप वॉचिंग गाइज एंड आई विल बी बैक हे गाइस तो अभी मैं घर आया हूँ और टायर्स चेंज किए मैंने व्हील अलाइनमेंट भी किया व्हील बैलेंसिंग भी किया अब मैं घर जाने वाला हूँ उसके बाद मैं जिम को जाऊँगा एंड आपसे कल मिलता हूँ क्योंकि कल ही हम जाने वाले बाहर सो कीप वॉचिंग द वीडियो आई विल बी बैक हे गाइस तो अभी मैं आया हूँ कॉलेज से और मैंने चेंज किया अब हम जाने वाले मेरे फ्रेंड्स के पास वहाँ से हम जाएंगे डायरेक्टली पाटन को जहाँ हम डोनेट करने वाले जो भी हमने कल मटेरियल इकट्ठा किया था अब वहाँ जाके मैं डायरेक्टली गाड़ी में लोड करूँगा मटेरियल और आपको मैं पूरी जर्नी दिखाऊँगा जैसे हम जा रहे हैं कहाँ पर डोनेट कर रहे हैं और वो सब सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग सो आपको बाद में ये भी पता चलेगा कि उनकी स्टोरी क्या थी क्या क्या हुआ एक्चुअली में वहाँ पर जाके आपको सब बताऊंगा सो डोंट स्किप द वीडियो We'll be right back.
हे गाइस आई एम बैक होम एंड मैं घर जाने से पहले आपको पूरी स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो जब मैं और मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे पहुँचे, हम अंबेघर गांव में गए थे, तो हमें वहाँ पे जाके ऐसे पता चला कि थोड़े दिनों पहले जब कंटिन्यूसली 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, कोल्हापुर में भी पूरा फ्लड आने की वजह से जो सिचुएशन है वो सिमिलर सिचुएशन पाटन साइड में भी थी। अंबेघर गाँव का लोकेशन माउंटेन के ठीक नीचे है और बारिश के कारण वो ऊपर का माउंटेन वो पूरे गांव के ऊपर आ गया और वहाँ लैंडस्लाइड हुई। तो पूरी लैंडस्लाइड के कारण जो भी सॉइल मिट्टी जो भी सब था वो पूरे गांव उसके अंदर चला गया। एंड ये सब सिचुएशन रात के 1-1.30 बजे हुई, तो किसी को कुछ पता भी नहीं चला। तो जो भी वहाँ रहते थे वो नींद में ही उनकी डेथ हो गई और सब सॉइल के नीचे बरीड हो गए। और जो भी बचे हुए हैं वो किसी के बेटा या किसी के फैमिली मेंबर से जो जॉब के कारण मुंबई या पुणे में रहते थे, तो यही सब बचे हुए हैं। और वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो वहाँ पे एक अंकल थे, तो उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे और उन बच्चों की वाइफ वो सब उसके नीचे आ गए। और तो वहाँ पे एक लड़का ऐसा था, उसकी शादी हुई थी अभी 1-1.5 साल पहले और उसका एक बच्चा था 10 मंथ्स का, तो वो भी उस सॉइल के नीचे आ गया और उसकी बीवी भी उसके नीचे आ गए और वो सारे उनकी डेथ हो गई। तो वो अकेला ही बचा है, तो और वो अंकल वो भी अकेले ही बचे। तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि पूरे फैमिली में सिर्फ एक ही आदमी बचा हुआ है, तो उनके सारे फैमिली मेंबर्स उनके सारों की डेथ हो गई। तो जब भी मैं ये स्टोरी भी सुन रहा था तो ऐसे पूरे गूज़बम्स आ रहे थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, रोना भी आ रहा था और उन्हें रो के देखकर और भी बुरा लग रहा था। तो जो हुआ सो हुआ, अभी गवर्नमेंट भी उन्हें मदद कर रही है और हमारे जैसे और भी कुछ लोग हैं तो वो वहाँ पे आते हैं और डोनेट करते हैं। अगर आपको भी डोनेट करना है तो आप भी वहाँ पे जाके डोनेट कर सकते हो। सो दोज़ हु आर अलाइव, उन्हें हॉस्पिटैलिटी के लिए एक स्कूल में रखा हुआ है और हमारे जैसे कुछ ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे जाके डोनेट करते हैं, वही उनके पास अभी बचा हुआ है। उनके फार्म्स, उनके जो पेट्स थे, जो भैंस थी, वो पूरा सब उसमें ही चला गया। तो वहाँ के इंचार्ज कोलेकर सर थे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगर आपको भी कुछ डोनेट करना है तो आप कर सकते हो, गवर्नमेंट भी कुछ तो कर रही है। वहाँ पे 3 फैमिलीज़ को 5-5 लाख के चेक्स मिले हैं, तो उनका सब चला गया। तो अब आगे उनका क्या होगा कुछ पता नहीं है। और आपको कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में उनका कांटेक्ट नंबर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट देयर स्टोरी। तो आप भी कुछ डोनेट कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी वीडियो गाइस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद द वंस जो कि उन्हें हेल्प कर सकते हैं, एंड कमेंट जो भी आपको अच्छा लगा। एंड जो हमारी फिट टू फिट सीरीज होल्ड पे है वो उसका एपिसोड जल्दी आएगा, सो डोंट वरी, इट विल बी आउट सून। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर दीजिए, इट्स Mr_RajKadam, यहाँ पे भी हैंडल आ रहा होगा एंड लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। पीस।